मेहरा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि किटन की फर्स्ट ग्रूमिंग कैसे करी जाती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको ल्यूकवॉर्म वाटर यूज़ करना है नहलाने के लिए, और धीरे धीरे करके ऐसे पहले आप किटन के पॉज गीले करेंगे और फिर पूरी बॉडी। तो आप ये वीडियो में यही देखते रहिए कि मैंने कैसे कैसे इसको धीरे धीरे पहले स्टेबल किया है, क्योंकि वो थोड़ा क्यूरियस है तो मतलब आपको मारने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि अभी मैंने उसके नेल ट्रिमिंग नहीं की है काफ़ी छोटा होने के वजह से। तो धीरे धीरे करके ही आप ऐसे ही पानी डालिए उसके ऊपर, ताकि वो थोड़ा स्टेबल हो जाए और डरे नहीं। और अब मैंने उसकी पूरी बॉडी गीली कर दी है, ऐसे ही आपको करना है। और पानी हमेशा ध्यान रखिए गर्म नहीं रहे, ज़्यादा ल्यूकवॉर्म ही रहना चाहिए। और ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कान पहले, बॉडी को आपको पूरा गीला करना है और उसके कान बचाने हैं। वो बहुत ज़्यादा डर रहा है क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम है। और ऐसे ही धीरे धीरे करके आपको उसको कंफर्टेबल करवाना है। अब उसकी बॉडी ऑलमोस्ट पूरी गीली हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो बॉडी ऑलमोस्ट गीली हो चुकी है। मैंने टप का पानी फेंक दिया है। अब आपको थोड़ा सा शैम्पू लेना है और उसकी बॉडी में अच्छे से रब करना है। पहले आपको आपके हाथ में ही इसको रब करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किटन की बॉडी से शैम्पू नहीं निकलता है। तो पहले आप अपने हाथ पे शैम्पू को रब कीजिए, उसके बाद बॉडी पे लगाइए। और ऐसा धीरे धीरे करके आपको पूरी बॉडी पे उसके शैम्पू लगाना है और अच्छे से मसाज करनी है। आपको थोड़ा स्लोली करना है, मैं यहाँ पे प्रोफेशनल हूँ इस वजह से मैं थोड़ा सा स्पीड में कर रही हूँ, बट आप थोड़ा हल्का हल्का धीरे धीरे कीजिए। और अच्छे से उसके पॉज तक के शैम्पू जाके क्लीन होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदगी उनके पॉज में जमा होती है, क्योंकि वो लेटर में जाते हैं। और आपको और मसाज करते रहना है जब तक आपको ऐसा ना लगे उसके हेयर सॉफ्ट हो गए हैं और पूरा डर्ट निकल गया है। आप टब में देख सकते हो डर्ट पूरा नीचे दिख रहा है पानी में। ये उसका फर्स्ट टाइम ग्रूमिंग है, इसीलिए ही बहुत ज़्यादा वो गंदा हुआ है। और वो अभी सिर्फ 2 months 15 days ओल्ड है। मैंने बहुत अच्छे से मसाज किया है, आपको भी वैसा करना है। नाउ धीरे धीरे करके आपको पानी उसके बॉडी पर डालना है और पूरा शैम्पू बॉडी से निकालना है। आप देख सकते हो जैसे बॉडी से शैम्पू पूरा निकल रहा है और ऑलमोस्ट निकल ही चुका है। ऐसे करके मैं उसका पूरा शैम्पू निकाल रही हूँ। आपको भी ऐसे निकालना है। अगर आपको थोड़ा बहुत डर लगे तो आप उसको नीचे ज़मीन पे बैठा के भी ये चीज़ कर सकते हो। पूरी बॉडी से शैम्पू निकल चुका है, अब उसका फेस हम लोग क्लीन करेंगे। अब जो ये पानी है मैं फेंक दे रही हूँ, अब उसके फेस की बारी है। तो धीरे धीरे करके आप अपने हाथ में पानी लेके उसके फेस पर लगाइए। कान आपको उसके बंद रखने हैं, ऐसे धीरे धीरे करके पूरा फेस पे आप उसको पानी लगाइए। मैंने शैम्पू लिया है अभी और मैं ऐसे ही उसके फेस पे मसाज करूँगी। ये चीज़ ध्यान में रखिए, आप कान में ना शैम्पू जाना चाहिए ना पानी जाना चाहिए, ये बहुत सेफ्टी के साथ आपको करना है। जितना भी कुछ लग रहा है आपको फेस पे है पूरा मसाज से निकालिए। आप डायरेक्ट उसके मुंह पे पानी नहीं डालना है, आपको धीरे धीरे करके हाथ में लेके पानी आपको उसके फेस पे डालना है। और ये कान आपको बंद करने हैं ऐसे,
और ये पानी आपको फेस के हेड के ऊपर डालना है ताकि वो शैम्पू निकल जाए। ऑलमोस्ट शैम्पू पूरा निकल चुका है, देखिए और आपको इसकी बॉडी में से पूरा पानी इसे निकालना है, देखिए पूरे बॉडी से पानी निकालिए ताकि वो जल्दी से ड्राई हो जाए। तो मैंने बेसिकली ड्रायर लिया है, आप अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो टॉवल से भी आप नॉर्मली इसको ड्राई कर सकते हो। हेयर ड्रायर से थोड़ा जल्दी सूख जाता है और टॉवल से काफ़ी टाइम लगेगा आपको, इसीलिए मैं हेयर ड्रायर प्रेफर करती हूँ हमेशा अपने किटन्स को नहलाने के बाद। तो आपको थोड़ा दूर रख के हेयर ड्रायर से इसको ड्राई करना है। आप देख रहे हो बॉडी के ऑलमोस्ट बाल धीरे धीरे करके पूरे सूख रहे हैं और ऐसे ही आपको इसे सुखाना है। हेयर ड्रायर हमेशा दूर रख के आपको ऊपर नीचे की तरफ चलाना है, ज़्यादा क्लोज नहीं रखना है और बाल अभी धीरे धीरे करके पूरे सूख रहे हैं। आपको बहुत केयरफुली आपको ड्रायर यूज़ करना है और ऐसे धीरे धीरे करके ही आप पूरी बॉडी इसकी सुखाइए। आपको हमेशा ध्यान रखना है कैट को कंफर्टेबल लगना चाहिए, अगर वो अनकंफर्टेबल हुआ तो वो आपको मार सकता है, इसीलिए हमेशा बहुत प्रिकॉशंस के साथ आपको ड्रायर यूज़ करना है। किटन को थोड़ा बहुत भी हार्म नहीं होना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि अभी किटन बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया। सो किटन ऑलमोस्ट सूख ही रहा है। आपको ये जो नीचे का साइड है किटन का वो बहुत संभाल के ड्राई करना है क्योंकि वो लोग कभी आपको उनके टमी को टच नहीं करने देंगे। तो आपको जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उस तरीके से ही आपको ड्राई करना है। अगर आपके साथ कोई हेल्प के लिए है तो बेटर रहेगा क्योंकि एक अकेले का काम नहीं है ड्राई करना किटन को। सो अब आपको किटन को उठाना है, इस पोजिशन में उसको रखना है ताकि वो डरे नहीं और कम्फर्टेबल फील करे, और ऐसे आपको उसको धीरे धीरे करके, अगर कोई है आपके लिए हेल्प करने के लिए तो बेटर रहेगा, ऐसे आपको नीचे की तरफ से उसको ड्राई करना है। तो देखिए अभी नीचे का भी ऑलमोस्ट साइड सूख ही गया है। अब ये उसके पॉज, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है किटन थोड़ा सा भी गीला नहीं रहना चाहिए, ऑलमोस्ट पूरा सूख जाना चाहिए। और हमेशा किटन को नहलाने का टाइम दिन में रखिए ताकि दिन में थोड़ा बहुत वेदर नॉर्मल होता है, रात में कभी भी आप किटन को नहीं नहलाएंगे, ये चीज़ आपको याद रखनी। और हमेशा गर्म पानी आपको यूज़ करना है। अब ये ऑलमोस्ट उसकी पूरी बॉडी सूख चुकी है, इसी तरीके से आपको कंटिन्यू करना है पूरा। खैर ये चीज़ मुझे पहले करनी थी बट मैं ये लास्ट में कर रही हूँ। आपको किटन के ईयर्स भी क्लीन करने हैं, फर्स्ट आपको पहले किटन के ईयर्स ही क्लीन करना है, उसके बाद उसको नहलाना है। तो ये मैंने ड्रॉप डाल दिया है ईयर क्लीनर और मैं उसका कान क्लीन कर रही हूँ, दोनों कान धीरे धीरे करके आपको ये चीज़ करनी है। मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ाई है इसीलिए आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी ये दिख रहा होगा। धीरे धीरे करके आपको कान पूरे क्लीन करना है किटन के, थोड़ा बहुत भी डर्ट नहीं रहना चाहिए कान के अंदर क्योंकि ये इन्फेक्शन फिर क्रिएट करेंगे, इसलिए आपको पूरा कान अच्छे से क्लीन करना है, दोनों कान। मैं ये डेली बेसिस पे करती हूँ इसलिए मेरे किटन्स के ईयर्स इतने ज़्यादा गंदे नहीं हैं। तो आपको भी ये चीज़ करनी है, हर वीकली आप आपके किटन के ईयर्स क्लीन की और नहलाना हमेशा 15 to 15 days में। अगर दिन ज़्यादा गंदा नहीं है तो आप 20 days में भी उसको नहला सकते हो, फिर भी प्रेफरेबली आप अगर उसको 15 days में नहलाओगे तो बेटर रहेगा, उसकी ग्रूमिंग भी अच्छी होगी। एंड इट्स ऑलमोस्ट डन, आप देख सकते हो वो कुछ भी ईच नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, एंड शी इज़ अ हैप्पी किटन।
शी इज ऑलमोस्ट क्लीन, आप देख सकते हो। अभी इसको कॉम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाल अभी काफ़ी छोटे हैं। जैसे जैसे अगर आपके पास है आप उसको एक बार कॉमिंग भी कर दीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर कीजिए इन्फॉर्मेशन, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।